जन्नत में चला गया। यजीद
है कौन? यजीद का शजरा आप लोगों को पता है, यजीद जिसका ननिहाल ईसाई था, जिसका ननिहाल शराब खाने के शराबों में गर्क रहता था, जिसके घरों में कुत्ते और बिल्लियों का खेल होता था, जो अपने बाप की गलती से वजूद में आया। आप तारीख पढ़ें, तारीख में क्या मिलता है? यजीद जितना जलील इंसान जब जन्नत में जा सकता है, जन्नत उसको मिल सकती है, कातिले इमाम हुसैन जन्नत में जा सकता है, तो हमें भी किसी को बुरा कहने दीजिए, जब कत्ल करके इंसान जन्नत में जा सकता है तो बुरा कहके इंसान जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? जिस तरीके से इंसान कत्ल करने के बाद जन्नत में जा सकता है, उसी तरीके से इंसान किसी का बेइज्जती बेहुर्मती करके भी जन्नत में जा सकता है। कत्ल क्या है? कत्ल की मैं कुरान से दो तीन आयतें पेश कर दूं। कहा कुरान क्या है? कहा कुरान अल्लाह का कलाम है। कहा इसमें अल्लाह ने कहा क्या? अल्लाह ने कहा अलफितनतो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना और फितनागरी का अब्बा यजीद था। फितना बहुत सारे फितने पैदा किए। फितना क्या है? अलफितनतो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। अलफितनतो अकबरो मिनल कत्ल, दूसरी आयत, फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। अब कत्ल क्या है? कहा वमन यक्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम ग़ज़बल्लाहु अन्हु वलअनहु, जिसने किसी मर्द मोमिन को बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म व खता के कत्ल किया, अल्लाह उससे नाराज है, अल्लाह उस पर लानत भेजता है और हमेशा जहन्नुम की आग में है। बेशक और जिस पर जहन्नम एक मर्तबा वाजिब हो गई तो उसके पास बचने का कोई राह हल नहीं। बहरहाल मैंने जिस मौजू को पढ़ने के लिए इंतखाब किया, मैं उसकी तरफ चलता हूँ, ज्ञान से चला जाऊँ, इल्म का दरिया तुम्हारे दरमियान से चला जाए। खुलफा का दौर था, दरबार सजा हुआ था। एक शख्स आया, कहा क्या मसला है? कहा कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अब जैसे ही कहा कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, वो तो खुश हो गए, चलो तारीख में हमारा भी नाम लिखा जाएगा कि हमने भी किसी को कलमा पढ़ाया था। अजीब इंसान है जिसका खुद कलमा सही नहीं है, दूसरों को कलमा पढ़ाने चले। कहा कि हमारा भी नाम का, अच्छा कलमा पढ़वाओ। कहा ऐसे नहीं पढ़ूंगा, कुछ शर्त है। हाँ क्या शर्त है? कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो, मैं कलमा पढ़ने के लिए आमादा हूँ, तैयार हूँ। कहा क्या सवाल है? करो। कहा आपके कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर अल्लाह की कुदरत है, दस्तरत है, पहुंच है। कहा बेशक। कहा इस पर ईमान रखते हो? कहा कि ईमान कामिल है। अच्छा तो ये बताओ कि जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो क्या अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है? भाई जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो उसके लिए मुश्किल बात थोड़ी है दूसरा अल्लाह पैदा करना। अब इन्होंने सवाल को सुना, कहा अगर हम कहेंगे कि अल्लाह कादिर है तो ये कहेगा कि वहदहू ला शरीक कैसा? भाई जब दूसरा अल्लाह आ जाए, वहदहू ला शरीक कैसा? वहदहू ला शरीक यानी वाहिद, जिसका कोई शरीक ना हो। अब दूसरा अल्लाह आएगा तो उसका शरीक बन जाएगा। और अगर हम ये कहें कि ये आयत झूठी है तो कहा तुम्हारे नबी का कलाम झूठा है, नबी पर तोहमत आ जाएगी। बचने के लिए दरबारी मौलवियों को बुलाया, जिसको दरबार से तनख्वाह दी जाती थी। आए, आने के बाद कहा कि देखो ये मसला किसी तरीके से अली तक नहीं पहुंचना चाहिए,
इस मसले को हमें ही निपटाना है ताकि जो जो कलमा पढ़ाने का लेवल है वो हमारे ऊपर लगे, ये अली के ऊपर ना जाए। तो दरबारियों ने कहा कि हमें 3 दिन की मोहलत दी जाए, हम कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कर देंगे। कहा ठीक है, 3 दिन का वक्त जाओ, 3 दिन का वक्त दिया। अब 3 दिन बाद उलमा और साहिल वापस आए। आने के बाद साहिल ने कहा, हाँ जी जवाब दीजिए, अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है कि नहीं? मौलवी ने कहा इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। गर्दन उड़ा दी जाए? कहा किस जुर्म में? कहा इसने तौहीन मजहब की, तौहीन मजहब की है, इसने हमारे अकीदे वहदानियत पर उंगली उठाई है, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, इसका सर कलम कर दिया जाए। अब जब मौलवियों ने कह दिया तो उसने कहा कि ठीक है भाई, सर कलम कर दो। अब साहिल हंसने लगा, बादशाह ने देखा, खलीफा ने देखा, कहा तुमको मौत से डर नहीं लगता? कहा मौत का डर तो सबको है, लेकिन मुझे हंसी तेरी बेबसी पर आ रही है, तेरी बेबसी मुझे हंसा रही है। कितना अच्छा होता कि ये मौत तू मेरे सवाल को देता, आज तू मुझे मारने का हुक्म जारी कर रहा है, तूने सोचा मेरे मरने के बाद क्या होगा? कहा क्या होगा? कहा कि अभी तू मुझे मारेगा, मार के मेरी लाश को दरबार से बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकेगा तो लोग पूछेंगे कि क्यों मारा, पूछने के बाद बताना पड़ेगा इसने ऐसा सवाल किया था। कहा जब सवाल किया था तो सवाल का मतलब जवाब था, देना जवाब चाहिए था, एक कान से बात दूसरे कान में जाएगी, दूसरे कान से तीसरे कान में जाएगी, सैकड़ों लोग जमा हो जाएंगे, जमा होने के बाद मेरे सवाल एक मजहब बन जाएगा, मैं उस मजहब का बानी हो जाऊंगा, तू मुझे मारकर हमेशा के लिए जिंदा कर रहा है, हमेशा के लिए जिंदा कर रहा है। अब जैसे ही खलीफा ने सुना, कहा तलवार हटा दो, तलवार हटा दो, जैसी तलवार हटी, कहा अब क्या किया जाए? कहा एक रास्ता, कहा कुरान से इस आयत को निकाल, कुरान से इस आयत को निकाल दो। कुरान के हरूफ पर छुरी चलने वाली थी, एक बूढ़ा जवान था, बूढ़ा जवान मिन्ना अहले बैत की सनद ली, कहा रुको मैं जवाब दिलवाता हूँ। अब सलमान आगे आगे चले, पीछे पीछे नक्शे कदम पर साए, दरे अली पर पहुंचे। अली ने कहा सलमान अगर वो साहिल तुम्हारे साथ आया है तो अंदर आ जाओ। साहिल वापस जाने लगा। सलमान ने पूछा तुमको जवाब चाहिए? कहा मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। कहा कैसे मिला? कहा जिसको ये मालूम हो कि दरवाजे के बाहर खड़ा कौन कौन है, उसको मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं मालूम होगा? कहा नहीं फिर भी चलो ताकि दुनिया को पता चले। आने के बाद मौलाए कायनात के पास आया, मौला ने कहा सवाल करो। कहा मुझे सवाल करने की हाजत नहीं है। मौला ने कहा देख तेरा सवाल मुझे पता है, उसका जवाब भी पता है, मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन तू सवाल कर ताकि दुनिया को पता करे। कहा कि मेरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो अल्लाह क्या अपने जैसा दूसरा अल्लाह बना सकता है? अली ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, तू सुन, अल्लाह अपने जैसा एक अल्लाह नहीं 1000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन फिर भी दोनों में एक फर्क रहेगा, खालिक खालिक रहेगा, मखलूक मखलूक रहेगी, खालिक खालिक रहेगा, मखलूक मखलूक रहेगी। बहुत सारे फजाइल मनाकिब मौलाए कायनात के हैं। मिकदाद आए, आने के बाद कहा मौला गरीबी है, तंग दस्ती है, फकीरी है, कुछ इमदाद कीजिए। ये अब तक की मजलिसों में मैंने फजाइले अली बयान किया था, अब अली के नाम की फजीलत सुननी है। कहा मिकदार कोई ईंट ढेला पत्थर कुछ भी मिले उठा के लेके आओ। उठा के लेके आए, कहा हाथ में लो या अली कहो। जैसे ही मिकदार ने हाथ में उस पत्थर को लिया,
लेने के बाद ये अली कहा वो पत्थर सोने में तब्दील हो गया। जैसे ही ये अली कहा पत्थर सोने में तब्दील हो गया, मिकदाद ने उस सोने को तोड़ना शुरू किया। छोटा सा हिस्सा लिया, कितना था, बड़ा पत्थर था, लिया छोटा सा हिस्सा। मौला ने कहा मिकदार ले जाओ, बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, कुछ इंतजाम कर लेना। कहा नहीं मौला, मेरे लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कहा मिकदार ले जाओ, तुम्हारे कल के काम आएगा। मिकदार ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मौला कल की फिक्र उसे करना चाहिए जिसके पास अली जैसा मौला ना हो। कल की फिक्र उसे करना चाहिए जिसके पास अली जैसा मौला ना हो। मौलाए कायनात सफ़र कर रहे थे, सफ़र में एक यहूदी साथ था, उसको मालूम नहीं था ये अली है, ये कौन है, क्या शख्सियत है। सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते रास्ते में एक दरिया आया। जब दरिया आया तो उसने अपने कंधे पर एक शाल रखी हुई। कहा दरिया पार किया कैसे जाए, कश्ती थी नहीं। उसने अपनी शाल को अपने कंधे से हटाया और हटाने के बाद दरिया में बिछा दिया और एक विर्द किया। विर्द जैसे ही किया उसके बाद वो अपनी चादर पर चढ़ गया, चादर उसको उस पार लेके चली गई। उसने अपनी शाल को उठाया, कंधे पर रख लिया। अब इस तरफ अली है, इस तरफ ईसाई है, बीच में दरिया है यहूदी। अब यहूदी कहता है कि काश कि तेरे पास भी कोई विर्द होता जिससे तू दरिया पार करता। अली ने कहा मैं विर्द का मोहताज नहीं हूँ, विर्द का मोहताज नहीं हूँ। अली ने दरिया की तरफ इशारा किया, सारा पानी जमकर पत्थर में तब्दील हो गया। अली उस पार गए, जाने के बाद कहा ये बता तेरे पास विर्द क्या है, तूने किया क्या था। कहा मेरे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, बुजुर्गों ने बताया कि जब मुश्किल का वक्त आए तो अल्लाह से एक नाम का वास्ता देकर दुआ कर लेना, तुम्हारी दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। कहा कौन सी दुआ। कहा हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि जब कोई मुश्किल आए तो अल्लाह को वास्ता देना, उसके हबीब का हाथों को बुलंद कर कहना कि मेरे पालने वाले, ऐ मेरे माबूद, तुझे वास्ता है मोहम्मद के बनाए हुए, मोहम्मद के बनाए हुए वसी का, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा। अली ने कहा तुझे तेरे बुजुर्गों ने सिर्फ नाम बताया, मारिफत नहीं कराई है। ये इसमें अली का जिसका तू विर्द कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो मैं ही अली हूँ। और ये अली नाम सिर्फ मेरा नहीं है, अल्लाह का भी नाम अली है, अल्लाह का भी नाम अली है। अब हमारी मुश्किलात जब आती है तो हम हल करने के लिए अल्लाह को उसके अली नाम से पुकारते हैं, तो लोग बुक्स अहले बैत में कहते हैं कि शिया अली को पुकारते हैं, अली को पुकारते हैं। भाई हमारा काम क्या है, फकीर जब आता है तो दरवाजे पर नाम लेके नहीं पुकारता है। वाह वाह क्या कहना। फकीर ये नहीं कहता है कि मसलन आइए आबी साहब हमें दीजिए, आइए सकलैन साहब हमें दीजिए। फकीर का काम यह है कि फकीर ये कहेगा भाई अल्लाह के नाम पर दे, हम मांगने अल्लाह के दर पे गए थे, अब अल्लाह के दर से सिवाय अली के कोई आया ही नहीं, तो हम मांगे किससे। भाई होना भी तो चाहिए, कोई आना भी तो चाहिए जिससे हम मांगे, अब कोई आया ही नहीं तो इसमें हमारी क्या गलती। बहुत सारे मनाकिब है, बहुत सारे फजाइल हैं, लेकिन चूंकि गर्मी भी ज़्यादा है, लाइट भी नहीं है और वक्त भी हो चुका है, जब अली का ये कमाल है इसकी औलादों का क्या कमाल है। अब्बास दिलावर जैसी औलाद है जिसको तमन्नाए अली कहते हैं,
दुआए अली कहते हैं, जिसे अली ने नमाज शब की दुआओं में माना। जब करबला के मैदान में बच्चों ने अल अतश की सदाएं बुलंद की, मैं ये चीज बारहा कहता हूँ कि लोग जो है लफ्ज करबला सुनने के बाद सिर्फ यही समझ लेते हैं कि ये मसाइल है। बहुत सारे फजाइल हैं जो मैं सिर्फ करबला से निकाल सकता हूँ। जो लोग ये कहते हैं, मसलन एक फजाइल सुनिए, जो लोग कहते हैं कि बेटियाँ रहमत होती हैं, उनके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बेटियों को बोझ समझते हैं। मौलाए कायनात की एक बेटी थी जिसका नाम क्या रखा, जैनब। जैनब की माना क्या है, जैनब किसे कहते हैं? जैनब असल में जैनब नहीं है, अरबी लफ्ज है, इसको यूज करते करते इस्तेमाल करते करते जैनब बोला जाने लगा। असल ये है जैन अब। जैन कहते हैं जीनत को, अब कहते हैं बाप को। जब इन दोनों को मिलाया जाए तो बाप की जीनत। और करबला के मैदान में अली की जीनत को बढ़ाने वाली जनाब जैनब जी, ये बाप की जीनत है। बारा तो अब्बास अलम लेके बढ़े, जंग करने की इजाजत तो थी नहीं। अब्बास अपना दिफा कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, और दुश्मन हमला कर रहे थे जंग की गरज से। तो अब्बास ने क्या कहा, शायर ने अपने अंदाज में उसको ढाला कि आया करीब नहर जो अब्बास नामदार, बोला कि मैं हूँ हैदर कर्रार का विकार, हो सामने पहाड़ तो जड़ से उखाड़ दूँ, दामन की गर्द जान के तुम सब पे झाड़ दूँ, बाबा की तरह जंग में गाजी दिलेर हूँ, ओ छिपकली के बच्चे मैं हैदर का शेर हूँ, ओ छिपकली के बच्चे मैं हैदर का शेर हूँ, तलवार में तपिश मई जून की तरह, सरूर रहे थे दस्त में बैलून की तरह, तलवार में तपिश मई जून की तरह, सरूर रहे थे दस्त में बैलून की तरह। तो अब्बास मशको आलम लेके आए, पानी लेके दरिया से खेमे की तरफ रवाना हुए, क्योंकि मैंने मसाए पढ़ने का दूसरा इरादा किया था, लेकिन जिस हिसाब से मरसिया हुई और मजलिस का एक तरीक़ा होता है, एक तर्द होता है कि जिस उनवान पर मरसिया पढ़ी जाए, खतीब को भी चाहिए उसी उनवान पर नवा खान वो खिताबत करे, मसाइब पढ़े, और नवा खान हजरात को भी चाहिए कि उसी तर्द पर, उसी अंदाज पर और उन्हीं की खिदमत में, उन्हीं की शान में नवा खानी करे। ये बात बहुत ज़रूरी है कहनी, क्योंकि अभी मसलन 25 मुहर्रम को शहादत इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की मजलिस हुई थी, उनकी शान में नौहा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं था। अगर आप जिसकी शान में, जो जिसकी तारीख, जिसकी मुनासिबत है, उसकी मुनासिबत से पढ़ेंगे तभी दुनिया को पता चलेगा, वरना फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम भी किसी और की तरीके से हो जाएंगे, ना विलादत का पता रहेगा ना शहादत का पता रहेगा। जिसने कभी कुछ मनाया ही ना हो फिर उसके वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। 7 से 8 रवायत मैंने पढ़ी है विलादत की और शहादत की, अलग अलग खुलफा की, कोई पता नहीं है। अजीजों ये मनाकिबे अली, फजाइले अली थे, इसी अली के घराने से जब निकलने वाले करबला पहुँचे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, ज़ईफ भी थे, जवान भी थे। रवायत बताती है कि 45 बच्चे साल के, 45। और जब ये काफिला मदीने में वापस आया सिर्फ 10 बच्चे बचे, 35 बच्चे कहाँ, 35 बच्चों का क्या हुआ।
तारीख कहती है कि कुछ बच्चे करबला के सो, और कुछ बच्चे जब करबला से कूफा और कूफे के शाम काफिले को ले जाया गया तो रास्ते में ऊँट से गिर कर ऊँट के कदमों में दब कर कुछ बच्चे मर गए। उन्हीं बच्चों में एक अजगर जिसको लेकर मैदाने के ताल में मौला हुसैन पानी तरफ कर जालिमों से कहा है, जालिमों तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस छः माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारी निगाह में मैं खतावार हूँ, इस बच्चे को एक खतरे आप दे दो। लेकिन पानी नहीं आया। हुसैन ने कहा जालिमों अगर तुमको लगता है कि इस बच्चे के बहाने पानी मांग कर हुसैन पी लेगा तो लो मैं इस बच्चे को दहकती हुई रेत पर सुला देता हूँ, अपने हाथों से पानी पिला दो। हुसैन ने ये जुमला कहने के बाद बच्चे को जलती हुई रेती पर लिटा दिया। जब देखा कि पानी नहीं आया तो हुसैन ने बच्चे को अपने आगोश में उठा लिया। अब जैसे ही आगोश में उठाया एक मरतबा मौला हुसैन ने अपने हाथों में नमी महसूस की। जब नमी महसूस की मौला ने देखा, क्या देखा, करबला की जमीन इतनी गर्म थी, पुश्ते अली असगर में छाले उभर गए। मौला ने कहा बेटा तू भी तो हुज्जत खुदा का फर्जंद है, ज़रा अपनी प्यास को इन जालिमों पर जाहिर कर। ये सुनना था कि अली असगर ने अपनी सूखी जबान को अपने होठों पर फेरना शुरू किया। फौजी अशकिया में कोहराम बरपा हो गया। शिमर कहता है ऐना ऐना हुरमुला, हुरमुला कहाँ है, एक ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनकता कर दे। ये सुनना था कि शिमरा आगे बढ़ा और तीरों कमान को लेकर एक मरतबा तीर चलाना चाहा मगर निशाना नहीं लगा, दूसरी मरतबा तीर चलाना चाहा मगर निशाना नहीं लगा। शिमर ने कहा ए हुरमुला तुझे क्या हुआ है, ए हुरमुला तुझे क्या हुआ है, जब मुझसे पूछता था कि तेरी फौज का सबसे बड़ा तीर अंदाज कौन है तो मैं तेरा नाम लेता था, आज तुझे हुआ क्या है, तूने पहला तीर चलाया मगर सही नहीं लगा, दूसरा तीर चलाया मगर सही नहीं लगा। हुरमुला कहता है मैंने पहला तीर चलाया तो मौलाए कायनात सामने आ गए और कहने लगे ए हुरमुला अरे इस छः माह के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जब मैंने दूसरा तीर चलाया तो पसलियों को थाम कर एक ज़ईफ़ा सामने आ गई। ए हुरमुला इस छः माह के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अजादारों उसके बाद हुरमुला ने तीसरा तीर लिया, लेकर कमान में जोड़ा तीर शशोभा था जिसे हिंदी में त्रिशूल कहते हैं, जिसके तीन मुंह होते हैं। कमान में जोड़ने के बाद जैसे ही तीर को चलाया सनसनाता हुआ तीर गलुए अली असगर को चीरता हुआ बाजुए इमाम हुसैन में पैवस्त हो गया। रावी कहता है अगर इमाम हुसैन अपने बाजू में उस तीर को ना रोकते तो ये सनसनाता हुआ तीर लाश अली असगर को वहाँ तक लेके जाता जहाँ तक तीर में जाने की सलाहियत थी। मौला हुसैन ने लाश अली असगर को करबला की जमीन में छुपाना चाहा, एक मर्तबा जुल्फिकार से कब्र बनवाना शुरू किया, जुल्फिकार से कब्र बना रहे हैं, जुल्फिकार से रोने की आवाज आई। मौला ने सवाल किया ए जुल्फिकार तू क्यों रो रही है, जुल्फिकार ने कहा मौला मुझे इतना मालूम था कि मुझे जालिमों को फिनार करना है लेकिन ये नहीं मालूम था अरे छह महीने के बच्चे की लाज भी बनानी पड़ेगी। मौला ने कहा ए जुल्फिकार ये आखिरी तेरा हमला है, ये जुल्फिकार ये तेरा आखिरी काम है, बस इस लाद को बना दे। लाद बनाने के बाद लाश अली असगर को छुपा दिया। मौला मैदान क़िताल में है, आवाज़ गैबी आई, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी, कोई तीरों से मारता है, कोई नेज़ों से मारता है, कोई ताजियानों से मारता है, जिसके पास कुछ न था अपनी झोलियों में करबला की दहकती हुई रेत को भरे हुए था, करबला की कंकड़ों को भरे हुए था। मेरे मजलूम इमाम के जख्मों पर मारता रहा, मजलूम इमाम करबला की खाक पर शहीद हो गया। जब शहीदों के सर को नोके नजा पर बुलंद किया गया क्या देखा, एक सर नजर नहीं आया। जालिम ने कहा मुझे वो सर चाहिए। फौजी अशकिया घोड़े पे सवार हुई, हाथों में नजा लिए हुए लेकर मैदान-ए-क़िताल की तरफ बड़ी। जमीन में नैजा चुभोते हुए एक मर्तबा उस जगह नैजा मारा जहाँ मौला ने अली असगर को दफन किया था। जैसे ही नैजे को मारा नैजे की अनी को बाहर खींचा, लाश अली असगर नैजे की अनी के साथ बाहर आ गया। सैयद सज्जाद खैमे से मंदर देख रहे हैं, चेहरे का रंग मुतगैर हुआ।
जनाब ज़ैनब ने पूछा, ए बेटा सैयद सज्जाद, क्या इस साल में गुर्बत में तुम भी हमारा साथ छोड़ दोगे? सैयद सज्जाद तड़प गए, एक जुमला कहा, ए फूफी अम्मा, अरे करबला में सब एक मर्तबा शहीद हुए, लेकिन हाय रे मेरा भैया अली असगर, दो दो मर्तबा शहीद हुआ।